रोमांस और रोमांच ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के साथ चोली दामन की तरह जुड़े हुए हैं, जिस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान भारत को इतनी कड़ी टक्कर देगा कि मैच टाई में समाप्त होगा। दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह से मुकाबला किया और जिस तरह से मैच को एक तरह से भारत के पंजे से निकाल कर टाई करा लिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि भारत ने इस मैच को हल्के से लिया। उन्होंने एक हल्की टीम उतारी, उन्होंने उनके मुख्य दो बॉलर्स बुमराह को नहीं खिलाया और भुवनेश्वर कुमार को नहीं खिलाया, तो मुख्य जो स्ट्राइक बॉलर्स अब तक रहे थे दोनों को नहीं खिलाया और नए तीन तेज़ गेंदबाजों को खिला लिया। दीपक चाहर को खिलाया और उसके साथ ही हमने देखा कि दो अन्य तेज़ गेंदबाज भी कुछ भी प्रभाव नहीं जमा पाए और कॉल भी जैसे वो लय वो रिदम प्राप्त नहीं कर पाए जो तेज़ गेंदबाज के लिए ज़रूरी होती है। नवोदित बॉलर हैं, अचानक उन्हें खिला लिया गया और हमने देखा कि उनकी काफ़ी खलील की भी पिटाई हुई, वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो अफगानिस्तान जैसी टीम जो कि अभी अभी लोगों को आंखें दिखाना जिन्होंने शुरू किया है, वो 250 का आंकड़ा जब पार कर लेती है तो फिर आप समझ सकते हैं इन विकेट्स पर इतने रन बनाना मुश्किल होता है। और भारत ने यही काम किया, यानी कि मुश्किलात अपने लिए इकट्ठी कर ली और हमने देखा कि मैच में पारा इस तरह चढ़ गया था कि एक समय महेंद्र सिंह धोनी और कुलदीप यादव इनके बीच में थोड़ी सी गहमागहमी भी हो गई थी। कुलदीप यादव बॉलिंग करने के लिए तैयार थे, फिर उन्होंने फील्डिंग की जमावट करना शुरू किया, धोनी इस बात पर झल्ला उठे, कैप्टन कूल कहा जाता है उन्हें, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि कैप्टन कूल अपनी जो ककड़ी की तरह ठंडापन उनका जो रहता है उसका दायरा वे भूल गए और थोड़े बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, जैसा कि वीडियो वायरल भी हो रहा है, उन्होंने तुरंत कहा कि बॉलिंग कर रहे हो या फिर मैं बॉलर ही बदल दूं। तो ये एक अच्छे लक्षण नहीं है क्योंकि इससे लय रिदम टूट जाती है टीम की और हमने देखा कि भारत अफगानिस्तान जैसी मामूली टीम से एक मैच को टाई कराने में ही सफल रहा। हालांकि भारत पहले ही फाइनल में पहुंच गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एशिया कप का फाइनल भारत खेल रहा, लेकिन आत्मविश्वास पर जो संकट आ जाता है इससे अन्य खिलाड़ियों पर, उसकी भरपाई कौन करेगा। मुझे याद है कि जब मैं 1982 में पाकिस्तान गया था तब इमरान खान से बात हो रही थी, बहुत महानतम कप्तान माने जाते थे क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, बहुत बड़े कप्तान माने जाते हैं। वो एक बात कह रहे थे एक पार्टी में शाम को हम लोगों के बीच में, वो कह रहे थे कि मैं अभ्यास मैच भी ऐसे खेलता हूँ जैसे वास्तविक मैच हो, क्योंकि अभ्यास मैच में भी जीतने की आदत होनी चाहिए। जिस तरह हम रोज़ कपड़े बदलते हैं, जिस तरह रोज़ हम साबुन लगाते हैं, माथे पर कंघी करते हैं और तेल लगाते हैं और साथ में बालों को अच्छी तरह संवारते हैं, ये आदत की बात रहती है, उसी तरह जीतने की भी एक आदत रहती है। इसलिए अभ्यास मैच में भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जीतें। तो ये बात सभी के लिए सीखने की है। यहाँ भारत ने एक तरह से अपनी जीत का सिलसिला एक तरह से ख़त्म किया और इसकी किसी को आशा नहीं थी। अफगानिस्तान ने हमें ड्रॉ करने के लिए मजबूर किया, टाई करने के लिए मजबूर किया। उनके शहजाद इतने, जो लोग कहते हैं कि भाई फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है क्रिकेट खेल के लिए, कि हमने देखा कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो, मन में आत्मविश्वास हो, मनोबल ऊंचा हो और आप में स्ट्राइक मारने की क्षमता हो, तो देखिए बहुत ज़्यादा फिट ना हो खिलाड़ी उसके बावजूद किस तरह से तेज़ी से रन बना सकता है। शहजाद ने 124 रन बनाए और अफगानिस्तान के लिए एक ऐसी पारी खेली जिसने भारत के लिए बाद में मुश्किलें खड़ी कर दी। नबी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी अच्छी की। देखिए उनके गेंदबाज तो यूँ भी अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स बहुत शानदार हैं, रशीद बहुत बढ़िया हैं और हमने देखा कि किस तरह नबी ने भी अच्छी नपीतुली बॉलिंग की और भारत को हमेशा चौकन्ना रखा, मुश्किलों में रखा। रोहित नहीं खेल रहे थे इस मैच में, बल्लेबाजी काफ़ी साधारण लग रही थी और हमने देखा कि शिखर धवन भी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे इस मैच में। तो एक तरह से भारत के लिए तमाम मुश्किलें, एक जमा जमाया जो लाइनअप रहता है केएल राहुल और दूसरी तरफ उनके साथी खिलाड़ी ने, हालांकि ओपनिंग भागीदारी में रायडू और केएल राहुल ने मिलकर बहुत अच्छे रन बनाए, 100 से ज़्यादा रन की भागीदारी की, लेकिन फिर भी मध्यक्रम लड़खड़ा गया। धोनी की किस्मत इस मैच में साथ नहीं दे रही थी, ये बात हमें बार बार देखने को मिली, क्योंकि जब वो उन्हें LBW करार दिया गया तब वे आउट नहीं थे, वास्तव में देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन भारत के पास वो रेफरल बाकी ही नहीं था,
तो वो तीसरे अंपायर की मदद नहीं ले पाए। इन मैचों में हमने देखा कि अंपायरिंग काफ़ी साधारण रही है और कई फैसले ऐसे रहे जिससे लोग संतुष्ट नहीं थे और खिलाड़ी भी संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे। लेकिन क्रिकेट का ये हिस्सा है, आप जब अफगानिस्तान जैसी साधारण टीम से खेल रहे हैं और आप इतने अनुभवी हैं, अनुभव की बात की जा रही, लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान को जीत की अभी आदत नहीं है, दो मैचेस उन्होंने इसी कारण गंवाए कि उन्हें तजुर्बा नहीं। लेकिन भारतीय टीम तो काफ़ी तजुर्बेकार थी, उसके बावजूद ड्रॉ कराने में सफल रहा अफगानिस्तान और मैच टाई हो गया, तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। आगे आने वाले मैचों में भारत को ये लय फिर से प्राप्त करनी पड़ेगी, भारत को अपनी सबसे मजबूत लाइनअप खिलाना पड़ेगा फाइनल में, क्योंकि ये आप नहीं सोच सकते कि पिछले दो मैचेस में आप पाकिस्तान को हरा चुके हैं या फिर बांग्लादेश को हरा चुके हैं, तो फाइनल में पता नहीं कौन सी टीम आपके सामने होगी, लेकिन जो भी टीम होगी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप एशिया कप के सरताज बनेंगे, और नहीं कर पाए तो फिर से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, दर्शकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, लोगों की नाराज़ी झेलनी पड़ेगी और भारतीय क्रिकेट को फिर से एक सबक सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जैसा कि इंग्लैंड में हमने सीखा था। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से भारतीय टीम अभी तक खेल रही वो अपने आप को फिर से रिग्रुप कर लेगी, अपने आप को फिर से संतुष्ट कर लेगी और फिर से अपने आप को जमा लेगी और भारतीय टीम फाइनल में उसी तरह का प्रदर्शन करेगी जिस तरह से वो हमेशा करती आई है और या जिसके लिए वो विख्यात है। इंडिया जब फाइनल मैच खेलेगा तो मैं इसी तरह आपको अपनी समीक्षा प्रस्तुत करता रहूँगा, और अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।